हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी मैगी। आपने मैगी तो बहुत बनाई होगी और बहुत खाई होगी, बट ये स्पेशल तरीके से बनाई गई मैगी। आप बनाएंगे एक बार तो बार बार बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब ये मैगी कैसे बनाई जाती है। स्पेशल मैगी बनाने के लिए हमें चाहिए एक प्याज चॉप की हुई, दो टमाटर जो कि मैंने वो भी चॉप किए हैं, और यह लहसुन की कलियाँ, इन्हें भी मैंने छील कर काट लिया है, और ये मैंने लिए है मटर जो कि फ्रोजन थे इसलिए मैंने इसे भिगो के रखे हैं, और दो मैगी। सबसे पहले लिया है हमने एक पैन, उसमें डालेंगे हम ऑयल थोड़ा सा। अब इसमें हम डालेंगे जीरा हाफ टी स्पून, इसको थोड़ा क्रैक होने देंगे तभी इसका फ्लेवर निकल के आता है। जीरा क्रैक हो गया हमारा। अब इसमें हम अपनी प्याज डालेंगे, प्याज को डाल के ऐसे चलाएंगे। अब हमारी प्याज ट्रांसलेट हो गई है लाइट कलर से। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम अपने मटर ऐड कर देंगे, क्योंकि इसे अच्छे से हमें सॉफ्ट करना है। अच्छे से सॉफ्ट होंगे तभी अच्छे लगेंगे, ये टाइट नहीं होने चाहिए मटर, अच्छे से गला लेंगे इसको। अभी देखिए हमारे जो मटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम अपने टमाटर ऐड कर देंगे, इन्हें भी अच्छे से सॉफ्ट करेंगे। टमाटर डाले हैं तो फिर इसे सॉफ्ट करने के लिए हम हल्का सा नमक यूज करेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि मैगी मसाले में जो है नमक भी होता है, इसलिए हल्का सा डालना है बस। टमाटर को अच्छे से गला लेंगे जब तक हम इसे पकाएंगे, जब तक टमाटर गलते हैं हमारे। अब हमारे टमाटर भी गल गए हैं, इसमें अब हम 2 कप पानी डालेंगे। आपको अगर ड्राई मैगी चाहिए तो इसे खोलकर पकाना है और 2 कप पानी डालना है। अगर आपको थोड़ी लिक्विड में मैगी चाहिए तो इसे 2 कप ही पानी डालना है, बट इसे ढककर पकाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे चाहिए। अब हम इसे बॉईल आने तक पकाएंगे, और बॉईल आने के बाद पानी में उसके बाद ही मैगी हम ऐड करेंगे, उससे पहले ऐड नहीं करेंगे। अब देखिए हमारे पानी में बॉईल आ चुका है, अब इसमें हम मैगी ऐड करेंगे। चाहे आप इसे बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में डालें या फिर ऐसे ही डाल दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसी पसंद है। इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे। अभी जो टेस्ट मेकर मैगी के साथ में आता है वो 1 शीशी हम पहले डाल देंगे, ताकि उसका सारा टेस्ट जो है मैगी के अंदर चला जाए। ऐसे पैक पे लिखा होता है कि बाद में डालें, बट हम एक पैक हम पहले डाल देंगे जिससे कि सारा जो उसका फ्लेवर है सारा अच्छे से मैगी के अंदर चला जाए, और एक हम बाद में यूज करेंगे। अब इसको अच्छे से पकने देंगे। अब देखिए हमारा जो दूसरी शीशे था मसाले का टेस्ट मेकर, वो डाल देंगे हम इसमें। अभी हमारी मैगी जो है गाढ़ी होने शुरू कर देगी और इसका जो पानी है वो सारा सूख जाएगा, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। आइए देखिए हमारी मैगी अच्छे से पक गई है, इसका पानी भी सारा ड्राई हो गया है। अब हमारी मैगी तैयार है, गैस हम ऑफ कर देते हैं। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। अब हमने लिया है एक पैन, उसमें डाला है देसी घी 1 चम्मच। अब पंजाबी मैगी बना रहे हैं तो उसमें देसी घी का तो यूज होना ही है। अब इसमें हम डालेंगे अपना लहसुन जो हमने काट के रखा था, और इसमें डालेंगे हम 2 लाल मिर्च, इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। अभी हमारा तड़का बनकर तैयार है और हम अपनी मैगी में डाल देते हैं। ये देखिए अब हम इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हमारी मैगी तैयार है। ये देखिए हमारी पंजाबी मैगी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।